हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजीमेंटो में। और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे भाषा, व्याकरण और बोली के बारे में, क्योंकि ये जो सीरीज शुरू होने वाली है हम लोग इसमें हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, बोली क्या है, कैसे लिखी जाती है। तो बहुत से सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इजीली वीडियोस मिल सकें। और अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग भाषा, व्याकरण और बोली क्या है। अब पहले हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। एक देखिए, सामान्य ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, ठीक, छोटा बच्चा हो है पैदा हुआ, वो क्या करता है, रोता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कुछ अजीब सी भाषा बोलने की कोशिश करता है, इसको हम समझ नहीं पाते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए दिव्यांग, जिसको हम बोलते हैं लोगों को, वो क्या है कि गूंगे हो गए। ठीक है, गूंगे लोग हैं, तो गूंगा जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो कैसे बोल पाएगा, क्वेश्चन आता है कैसे बोल पाएगा वो। तो क्या करता है कि कुछ इशारा करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। उसके साथ में मान लीजिए, जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा कि कोई रेल है, रेलगाड़ी जा रही है, तो आपने देखा होगा कि जो एक सिग्नल वाला मैन है, सिग्नल मैन जो हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, हरी झंडी दिखाता है तो रेल निकल जाती है, और लाल झंडी दिखाता है तो रेल रुक जाती है। और इसी प्रकार से अगर आप बात करें बस में, टीटी होता है कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं बस का कंडक्टर, क्या करता है, सीटी मारता है, बस चल देती है, सीटी मारता है, बस रुक जाती है। तो ये सब एक प्रकार के संकेत हैं, लेकिन क्या इन संकेतों को हम भाषा जोड़ सकते हैं, क्या ये भाषा कहला सकती है? भाई आप इन सबको भाषा नहीं कह सकते एक प्रकार से। फिर तो अगर एक बात सोचने वाले, अगर हम इनको भाषा कहेंगे, ठीक, तो जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, आप अपना वाहन चला रहे हो, और वाहन चलाते हुए आपने हॉर्न दबाया, ट्रैफिक होता है, आप हॉर्न दबा रहे हो, हॉर्न से एक आवाज़ गई, सामने वाले को पता लग गया आप पीछे जा रहे हो, आपने उसको रास्ता दे दिया, वो निकल गया। लेकिन क्या वो भाषा थी? भाई हॉर्न दबाना एक भाषा हो सकती है? भाषा नहीं हो सकती, वो एक संकेत है कि हमने एक संकेत दिया, सामने वाला रास्ता हट गया, आप आगे चले गए। और कुछ लोग तो बिना वजह ही संकेत देते रहते हैं। ठीक है, तो संकेत को आप भाषा नहीं कह सकते। अब इस में समस्या आती है कि हम भाषा कहेंगे तो किसको कहेंगे? जो भी किसी प्रकार की अस्पष्ट ध्वनि होगी। ठीक, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए मैं किस बात को बोल रहा हूं, एक अस्पष्ट ध्वनि। अस्पष्ट जो ध्वनियां हैं, कोई भी अस्पष्ट ध्वनि, शब्द क्या है, अस्पष्ट, यानी कि जिससे कोई साफ बात हमें समझ में नहीं आ रही। अब बच्चा आम कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बोलने की हालांकि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको साफ समझ में नहीं आ रही वो चीज़, ठीक है, तो वो भाषा नहीं हो सकती। अब जैसे गाड़ी में चू चू हो रही है, ठीक, सीट बजाने वाली बात जो मैंने बोली, तो उनको हम भाषा नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस अस्पष्ट ध्वनि को हटा दें यहाँ से और कर दें इसको स्पष्ट ध्वनि, स्पष्ट ध्वनि, तो जो स्पष्ट ध्वनि होगी आपके लिए वही भाषा होगी, और आपके क्या सबके लिए वही भाषा होगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, भाषा की अगर हम बात करें तो आम बोलचाल में हम जिसे बोली कहते हैं, आम बोलचाल में हम जिसे बोली कहते हैं, वही शास्त्रों में भाषा कहलाती है। ठीक, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आम बोलचाल में हम जिसे बोली कहते हैं, अब यहां पर जो फोकस करना है, इस पर करना है बोली पे, आम बोलचाल में जिसे हम बोली कहते हैं, उसी को शास्त्रों में क्या क्या आ गया है। तो इसी बात को अगर देखें तो शास्त्रों में, ठीक है, शास्त्रों में भाषा कहा गया,
दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, या ऐसे कहा जा सकता है कि वह बोली जो सुविकसित व्याकरण सम्मत है, ठीक है, सुविकसित, सुविकसित व्याकरण सम्मत है, ठीक है, जो सुविकसित व्याकरण सम्मत है और साहित्य समृद्ध है, साहित्य समृद्ध है, प्लस कर दो इसमें साहित्य समृद्ध, ठीक, वो आपका क्या बनेगा, भाषा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी भाषा हो गई एक प्रकार से। अगर हम भाषा की परिभाषा दें तो भाषा की परिभाषा अब किस प्रकार से बनती है, बात ये आती है। अब देखो, भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं, वह साधन या वह व्यवस्था, वह साधन या वह व्यवस्था जिसके द्वारा मानव अपने भावों व विचारों को तत्संबंधी व्याकरण व साहित्य की सहायता से बोलकर, ठीक है, तत्संबंधी व्याकरण वह साहित्य की सहायता से बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों द्वारा प्रकट करता है, वो क्या कहलाती है, आप या लिपिबद्ध करता है उसको, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी भाषा। अब यहां पर देखो, भाषा में क्या हमने और जोड़ा एक प्रकार से, देखिए साहित्य आया, ठीक है, सुविकसित व्याकरण सम्मत है उसमें। अब इसमें हम पूरी तरह भाषा को कैसे कह सकते हैं, एक तो लिखकर, या बोलकर, संकेतों द्वारा, या लिपिबद्ध करके। ठीक, तो इन सब प्रकार से हम भाषा की बात कर सकते हैं। तो भाषा के लिए आपके प्रकार कौन कौन से हो गए, ये सारे के सारे, क्योंकि तो अब देखो, अब आपने बोला, सॉरी, अब आप क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठ सकता है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी दे दूंगा कि आपने कहा सर ये संकेत वाली बात जो आ गई अभी आप, क्योंकि मैंने आप थोड़ी देर पहले संकेत आपको बताए थे कि आप हॉर्न बजा रहे हो, जो टिकट कंडक्टर है वो सीटी बजा रहा है बस को रुकने और चलवाने के लिए, ठीक है, और एक बच्चा रो रहा है, वो भी तो एक प्रकार संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, वहां जो संकेत है क्या वो संकेत किसी प्रकार से स्पष्ट हैं? यहाँ पे स्पष्ट संकेत, अस्पष्ट संकेत और स्पष्ट संकेत की बात है। एक बच्चा रो रहा है, अब रोने के उसके कई रीजन हो सकते हैं, एक उसको भूख लगी, उसको कहीं दर्द हुआ, ठीक है, या उसने पोटी कर दी, ये भी तो रीजन हो सकता है ना। बच्चा अपनी हर बात को कैसे बयां करेगा, केवल रो के बयां करेगा, ठीक, तो उसमें आप कैसे कह सकते हो। अब मान लो कि छोटा बच्चा है, वो रोए जा रहा है, ठीक है, आप उसको खाना खिला रहे हो, उसको प्यार करो, सब कुछ करो, फिर भी रो रहा है, तो आप क्या समझते हो कि इसकी शायद तबीयत खराब है, इसके पेट वेट में दर्द है, इसको डॉक्टर के पास ले आते हैं। बच्चे ने आपको ये बात बताई नहीं, हालांकि वो रो रहा है, संकेत आपको दे रहा है, लेकिन आपने अपनी समझ से ये काम किया, तो वो क्या है, वो जो संकेत उसका है वो स्पष्ट संकेत नहीं है। यहां मैंने जो बात की इसलिए मैंने जोर देता कि स्पष्ट संकेत पे, संकेत स्पष्ट होना चाहिए, तब उस, अब स्पष्ट संकेत कैसे हो सकता है, सोचिए, एक गूंगा व्यक्ति अपनी बात को कहता है, तो जिस बात को वो कह रहा है उससे स्पष्ट संकेत दे रहा है वो, मान लीजिए वो यूं कहता है दिल, तो यहां पे स्पष्ट संकेत देगा वो, ठीक। अब वो सोचिए, बोले वो बात कर रहा है दिल की और वो यहां पे इशारा कर रहा है, ठीक है, संकेत दिया उसने अपने दिल का, लेकिन आप अगर समझो आंख, तो इसका मतलब आपकी समझ गलत है, उसका संकेत तो स्पष्ट है लेकिन समझ किसकी गलत है, आपकी, तो उस केस में ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई उसकी जो भाषा है वो गलत है, ठीक। तो भाषा को अगर हम बोलेंगे तो लिखकर भी हम कह सकते हैं, बोलकर कह सकते हैं, संकेतों द्वारा, या फिर लिपिबद्ध करके उसको भी हम कह सकते हैं, तो ये हमारी कहलाएगी भाषा। अब अगर मैं भाषा की बात करूं आगे, अब भाषा किस प्रकार की है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, जर्मनी है, फ्रेंच है, रूसी है, अरबी है, ठीक है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो
अब जो हमारा देश है, हम यह विश्व की तो बात कर रहे हैं कि विश्व में तो अनेक भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हमें फोकस पहले उस पर करना है। क्योंकि अगर हमें हमारे देश की भाषाओं के बारे में नहीं पता होगा तो फिर विश्व की भाषा जान के हम क्या कर लेंगे। तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी एक भाषा को पकड़ के नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश में तो भाषाओं के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ है। ठीक, अब भाषाओं के आधार पर भी राज्य का गठन हुआ है तो फिर भाषा तो विभिन्न प्रकार की होंगी। तो कुछ भाषा जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे भारत देश की भाषा है, भारत देश में कौन-कौन सी भाषा है इनको देखते हैं। पहले से पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी है, पंजाबी है, मलयालम है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, गुजराती और पहाड़ी हम कह सकते हैं। और मैं आदि कर देता हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी है, मैं सब कुछ थोड़े सब नहीं लिख सकता आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे दिए। तो हमारे देश में वैसे तो व्यवहार में ये सारी भाषा चलती हैं। और आप कहेंगे सर अंग्रेजी, अंग्रेजी भी हमारे देश में व्यवहार में भाषा है। ठीक है, मैंने लिख इसलिए मैंने आदि लिख दिया। ठीक, तो ये सब व्यवहारिक भाषा है और ये सब भाषाएं आपको अलग अलग उसमें देखने को मिलेंगी। ये स्पेशल भाषा मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जो भाषा है ये हर जगह बोली ही जाती हैं। अब इंग्लिश एक कॉमन भाषा आजकल बनी हुई है, जो हर राज्य में जहाँ पे हिंदी ना बोली जाती हो वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती हुई है। जैसे आप केरला के साइड जाएंगे, साउथ के साइड जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश नॉर्मल ही है। तो इंग्लिश को इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो तो ईजिली यहाँ पर मैंने वो लिखा जो राज्यों के हिसाब से ही बोली जाती भाषा है। ठीक है, अब भाषाओं के हम रूप देखते हैं कि भाषाओं के रूप कितने हैं। भाषा के रूप देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मैंने इतनी सारी भाषा आपको बता दी तो भाषाओं के विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भाषाओं को दो रूप में विभाजित करेंगे। दो रूप कौन कौन से होंगे? अगर हम पहला रूप देखें तो पहला रूप हम कह सकते हैं कथित रूप, कथित भाषा, इसको हम ऐसे कह देंगे कथित भाषा। और दूसरा रूप कौन सा होगा इसमें? लिखित भाषा। अब हमें इनको समझना है, कथित भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। ठीक है, वैसे तो नाम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई लिखित भाषा तो लिखी ही जाने वाली भाषा है, कथित भाषा है तो कथन के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन फिर भी मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई किस प्रकार से ये भाषा चलती है। देखिए, कथित भाषा क्या है? कथित भाषा को हम सिंपल तौर पर समझ लेते हैं जो भाषा मुख से बोले जाने वाली भाषा है। मतलब इसको हम ऐसे कहते हैं, देखिए मुख से बोली जाती है। ठीक है, अब मुख से बोली जाती है साथ में कानों से सुनी जाती है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कानों से सुनी जाती है। ठीक, तो अब यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जाम में उठाकर दे देगा भाई कथित भाषा कानों से सुनी जाने वाली, आप बोलोगे नहीं सर ये तो कथित कथन की बात है। क्योंकि शब्द से देखिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, कथित क्या लिखा है? कथित मतलब कथन से निकलता हुआ शब्द है। ठीक है, तो कथन का मतलब क्या है? हम मुख से बोल रहे हैं। अब वो मुख से बोल रहे हैं तो मुख से बोले जाने वाली भाषा हो गई। ठीक, लेकिन क्या मुख से बोले जाने वाली भाषा को कानों से नहीं सुना जा सकता? क्वेश्चन ये आता है। तो एग्जाम में इतना आसान नहीं देगा आपको उठा करके कि भाई मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, वो सीधा बोलेगा कानों से सुनी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, है तो कथित भाषा ही है वो भी। ठीक, अब हम देखते हैं कि लिखित भाषा क्या है। देखिए, वह भाषा जिसे हम लिख और पढ़कर, ठीक है, अपने मन विचारों तथा भावों से समझते हैं। लिख
और पढ़कर, ठीक है, लिख और पढ़कर अपने मन विचारों और भावों से समझते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, लिखित भाषा कह सकते हैं। अब एक खासियत क्या है लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा की हम बात कर रहे थे, खासियत क्या है। खासियत देखिए इसमें यह है कि लिखित भाषा में सारी ध्वनियों का प्रयोग ना करके कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मैं लिख देता हूं कि इसमें सारी ध्वनियों का प्रयोग ना करके, सारी ध्वनियों का प्रयोग ना करके, ठीक है, कुछ ध्वनियों के चिन्ह के चिन्ह प्रयोग में आते हैं, लाए जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं इसको। ठीक, तो यहां पॉइंट क्या है, सारी ध्वनियों के प्रयोग ना करके, ठीक है। अब यहां क्या, सारी ध्वनियों का प्रयोग ना करके कुछ ध्वनियों के चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। अब यहां जो शब्द है कि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, अब सोचिए कि मैं लिख रहा हूं, मैं भी तो लिख ही रहा हूं ना, तो लिखने में क्या मैंने सारी ध्वनियों का प्रयोग किया हुआ अब तक, जो मैं लिख रहा हूँ कुछ ध्वनियों के चिन्हों को मैं प्रयोग कर रहा हूँ तभी मैं लिख पा रहा हूँ, और आप लोग भी यही करते हैं, ठीक है, सारी ध्वनियों को प्रयोग नहीं करते आप। अब जो यहाँ ध्वनियों की बात कहलाई मैंने, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो अक्षर अथवा अक्षर समूह कहलाते हैं, हम इनको क्या कह सकते हैं, एक और चीज कि अक्षर या अक्षर समूह, अक्षर या अक्षर समूह, ठीक, हम इनको अक्षर या अक्षर समूह भी कह सकते हैं। तो ये है आपका कथित भाषा और लिखित भाषा में अंतर। हम लोग समझते हैं इसके आगे, हमने भाषा समझ लिया, हमने एक स्टेप यहां कंप्लीट कर लिया, व्याकरण समझेंगे कि व्याकरण इसमें क्या है। व्याकरण देखिए, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। इसका अर्थ क्या है, विश्लेषण करना। ठीक, किसी भी चीज को या फिर किसी भी भाषा या कही जाने वाली बात का विश्लेषण करना। अब विश्लेषण देखिए, मान लीजिए कोई चीज है आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, मैंने मान लीजिए ये सब जो लिखा हुआ ये सब लिख दिया आपके सामने, ठीक, तो ये किसी भी चीज रचना या फिर हम कह सकते हैं या फिर लिखे जाने वाली बात का विश्लेषण करके उसको हमारे सामने आसान रूप में प्रकट करती है, जिससे कि हम उसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए हमने कोई बात लिख दी, राम खाती है, हमने ऐसे लिखा, राम खाती है। अब यहां जो एक खाती लिखा है, क्या आपको लग रहा है सही लिखा है एक प्रकार से, तो क्या इसका विश्लेषण, हमने इसका विश्लेषण किया तो विश्लेषण में खाती आ गया, आप बोलेंगे नहीं सही तो खाता होगा, ठीक है, खाता सही होगा, राम खाता है, ठीक है, ये खाती है गलत लगता है, ठीक। तो यही प्रकार एक प्रकार से कि व्याकरण को हम या फिर जो भी ग्रामर है शब्द उसको हम सीधा कह सकते हैं कि विश्लेषण करना, आपको किसी चीज का विश्लेषण करना है इसमें। अब इस विश्लेषण करने की खासियत क्या है, भाई विश्लेषण क्यों किया जा रहा है, विश्लेषण करने की खासियत हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी पैराग्राफ में जो कुछ अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए या फिर शुद्धियों को ढूंढने के लिए या फिर अशुद्धियों को ढूंढने के लिए, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह लें इसको कि अशुद्धियों को हटाकर शुद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम इसमें सिंपल तौर पर देखिए ऐसा कह सकते हैं कि व्याकरण जो है, व्याकरण ऐसे शास्त्र जो ऐसे नियमों का समूह है जो भाषा को मानक रूप प्रदान करता है, ठीक है, ऐसे
नियमों का समूह है जो भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। अब अगर मैं इसको सरल रूप में और कहना चाहूँ थोड़ा सा कि भाई व्याकरण को हम और क्या कह सकते हैं, तो सरल परिभाषा देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा का विश्लेषण होता है, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा का विश्लेषण होता है और उसके शुद्ध रूप का प्रयोग निरूपण होता है, ठीक है। और उसके शुद्ध रूप का प्रयोग निरूपण होता है। अब जब शुद्ध रूप का प्रयोग निरूपण होता है तो हम समझेंगे यहाँ पर कि जो व्याकरण है वो कितने प्रकार से है, उसके अंग कितने हैं। व्याकरण के हमें अंग देखने पड़ेंगे, तो व्याकरण के अंगों को समझते हैं जरा एक एक करके। अब व्याकरण के अंग कितने हैं, अंगों को देखते हैं। इसके तीन अंग हैं। पहला अंग क्या है, वर्ण विचार। दूसरा अंग है शब्द विचार। तीसरा अंग है वाक्य विचार। व्याकरण के तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इस तीनों को हम एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या है, कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर वर्ण विचार को। हम वर्ण विचार को ले लेते हैं। वर्ण विचार क्या है, देखिए जहां पर वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, ठीक है, आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग तथा संधि के नियमों पर विचार किया जाता है। जहां पर इतना लंबा ना लिख कर देखो यार, क्योंकि लिखने लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं। जहां पर वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग से, ठीक, तथा संधि नियम, संयोग तथा संधि नियम, ठीक है। वर्ण विचार कैसे कह सकते हैं हम, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग तथा संधि नियम, ठीक है, संधि नियमों पर विचार किया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार की सरलतम परिभाषा ये हो सकती है कि वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके संयोग तथा संधि नियमों के विचार, संधि नियमों पर विचार किया जाता है, ठीक, वह वर्ण विचार कहलाता है आपका। अब इसी में हम देख लेते हैं आगे शब्द विचार क्या है। शब्द विचार देखते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। देखिए जहां पर शब्द भेद शब्द भेद व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति और रचना, आदि से संबंधित नियमों का विचार किया जाता है, रचना आदि, ठीक। जहां पर शब्द भेद व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित विचारों पर विचार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे शब्द विचार, ठीक। अगला आ गया आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, इसको यहीं ले लेते हैं। जहां पर वाक्य भेद
अंग उपंग, ठीक है, अंग उपांग और पारस्परिक संश्लेषण विश्लेषण और विराम चिन्ह। विराम चिन्हादि में एक साथ करता हूँ, ठीक है। देखिए शब्द वाक्यों को हम कैसे कह सकते हैं कि जहां पर वाक्य भेद अंग उपंग पारस्परिक संश्लेषण विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि, ठीक है, पर विचार किया जाए, उसको हम कह सकते हैं वाक्य विचार। उनको हम वाक्य विचार से जोड़कर देखते हैं, ठीक। तो ये आपके तीनों हो गए व्याकरण के अंग। व्याकरण मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी चीज का विश्लेषण करना क्या कहलाएगा आपका, व्याकरण। और व्याकरण के तीन प्रकार के अंग होते हैं, उन तीन प्रकार के अंगों का नाम क्या है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और इन तीनों की डेफिनेशन जो हो सकती है अच्छी से अच्छी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो हिंदी है वो भी समझने लायक चीज है और थोड़ा मुश्किल होती है समझने में, लेकिन धीरे धीरे हो जाती है, ठीक। अब हम इसी में बात करेंगे आगे लिपि की, कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि जिसको हम एक और चीज बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट, तो लिपि क्या है उसको समझते हैं। देखिए कथित भाषा की अगर हम बात करें, अब कथित भाषा, ठीक है, कथित भाषा मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी भाई कथित भाषा क्या होती है, तो मैं दोबारा यहां समझाने वाला नहीं हूं, ठीक है, उसको हम समझ लेंगे। कथित भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ठीक, और जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकल करके आती हैं। लिखित भाषा में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, भाई कथित भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं मैंने आपको बताया था, लिखित भाषा में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अतः प्रत्येक चिन्ह में भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, भाई भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होगा, बिना चिन्ह के तो भाषा हो नहीं सकती, ठीक। वो जो चिन्ह होंगे वो अक्षर कहलाते हैं, जिन हम चिन्हों की बात कर रहे हैं, जो चिन्ह होंगे वो क्या कहलाएंगे, अक्षर, ठीक। चिन्हों को हम अक्षर कहते हैं और उनका समूह कहेगा वर्णमाला। अक्षरों का अगर समूह होगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। चिन्ह अक्षर कहलाएंगे और अक्षरों का समूह कहलाएगा वर्णमाला, तो यहां समूह कर दीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, अक्षरों का समूह आपका वर्णमाला कहलाएगा, ठीक। और इन चिन्हों को लिखने की जो विधि होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लिपि, ठीक है। यहां पर हम ऐसा करते हैं कि इन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो भाई लिपि की। तो कथित तौर पर और भाषाई तौर पर कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों में, इन चिन्हों को मिलाकर बनते हैं हमारे पास क्या, अक्षर। और अक्षरों का समूह जो होता है वो बनता है वर्णमाला, ठीक है। और इन्हीं चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी लिपि। अब जो लिपि है उसको समझते हैं कि कितने प्रकार की लिपियां हैं एक प्रकार से हमारी। तो लिपियों को देखो ऐसे समझते हैं हम, देखो जैसे हमारी एक दो भाषा है, हिंदी और संस्कृत।
हिंदी और संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? इन दो भाषाओं को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत जो भाषा वो इनको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऐसी एक भाषा है उर्दू, कश्मीरी, और फारसी। तो ये इसको ऐसे कर देते हैं, फारसी। इनको हम किस लिपि में लिखते हैं? इनको हम फारसी लिपि में लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात, हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू, कश्मीरी और फारसी भाषा को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। एक भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए चलती है रोमन लिपि, पंजाबी और गुरमुखी। सॉरी, पंजाबी को हम किसमें? गुरुमुखी भाषा में लिखते हैं। ये मैंने और कर दी इसमें। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लिपियां। इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर जाएगा भाई किस भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो ये है भाषा, मैं इसको लिखता हूँ, ये है आपकी भाषा और ये हो गई आपकी लिपि। ठीक है, भाषा और लिपि, हिंदी संस्कृत को देवनागरी, उर्दू कश्मीरी फारसी को फारसी में, अंग्रेजी को रोमन में और पंजाबी को गुरुमुखी में लिखते हैं। ठीक, तो ये लिपियां हो गई। बोली, हमने अब तक भाषा व्याकरण समझ लिया, अब हमें क्या समझ लिया? बोली। ठीक है, इसमें था आखिरी जगह शब्द आपका बोली, इसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो बोली कहलाता है। ठीक है, कैसा कर लेते हैं, यहीं पर भाषा का क्षेत्रीय रूप इसका प्रयोग ना बोलने के लिए किया जाता है एक प्रकार से। हाँ ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है, लिखा क्या है? बोली, तो प्रयोग बोलने के लिए होगा और बोली क्षेत्र रूप की तरह होती है। अब देखिए, जैसे क्या समझते हैं, केरल राज्य है, केरल की अपनी एक बोली है, तमिलनाडु है वहाँ पर बोली है एक, आप हरियाणा में चले जाओ तो आप बोलते हैं ना हरियाणवी बोली है, हिंदी हिंदी बोली है एक। ठीक, नॉर्थ में बोलते हैं, या फिर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे गुजराती बोली होती है, पंजाबी बोली है थोड़ा सा, वो तो नॉर्थ में आ गया, और आप थोड़ा जाओगे महाराष्ट्र में बोली है, मराठी बोली है। ठीक है, कोंकण की बोली है, तो विभिन्न प्रकार की है, वो भी हम लोग देखेंगे उनको भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ जो क्षेत्रीय बोली हैं कौन कौन सी एक प्रकार से। तो देखिए, हरियाणवी है क्षेत्रीय बोली में, आपकी हरियाणवी हो गई, खड़ी बोली हो गई। अब बहुत से क्या करते हैं, देखिए लोग कि कुछ पूछ लेते भी खड़ी बोली, खड़ी एक अपने आप में बोली है, लेकिन उसको लोग हरियाणवी बोली जोड़ लेते हैं कि भाई खड़ी बोली जो होगी वो हरियाणवी बोली है। तो ऐसा नहीं है, खड़ी बोली को आप हरियाणवी बोली से मत जोड़िए, ये अपने आप में एक भाषा है। राजस्थानी, मारवाड़ी, भोजपुरी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो बोली हैं। लोगों को लगता है ये अलग अलग बोलियां नहीं हैं, तो लेकिन ये अलग अलग सब बोलियां हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनको मैं आपको और बताता हूँ कि भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं। क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो भाई भारतीय भाषा जानना आपके लिए जरूरी है थोड़ा सा। देखिए, भारतीय भाषाओं को हम कौन सी भाषा कह सकते हैं? अब भारत में तो ऐसे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, क्या हम सबको भारतीय भाषा कह सकते हैं?
तो इसका जवाब आएगा नहीं, कि भारत में बोली जाने वाली हर एक भाषा को आप भारतीय भाषा नहीं कह सकते। भारतीय भाषा का दर्जा केवल उसी भाषा को दिया जाएगा जो भारत के संविधान में लिखित में है, कि हाँ भाई भारत के संविधान में लिखित में है, वही भारतीय भाषा कहलाएगी। ठीक है, अब जो लिखित में है और भारत के संविधान में कौन सी जगह पर वो लिखी हुई है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची जो है आठवीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। अब आठवीं अनुसूची में जो भाषाओं की बात की गई है, देखिए पहले इसमें थी कोई 18 के आसपास भाषाएं, ठीक 18 के आसपास भाषाएं थी पहले इसमें, फिर इसमें प्लस कर दी गई है भी 4 भाषाएं और, तो टोटल 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में भी दी गई हैं, और बहुत कम किताबों में दिया है, कि मैं आपको अपडेटेड चीज़ बता रहा हूँ इसीलिए। और मैं आपको बता देता हूँ ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है, या आपके काम की भाषा है तो इनको आपको जानना जरूरी है। ठीक, और आप 22 भाषाओं को देखने के बाद लिखते चलते एक लिस्ट बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा। मैं वही लिस्ट बना देता हूँ आपके लिए। पहली भाषा आपके लिए है असमिया, ठीक है। दूसरी भाषा आपके लिए है उर्दू। तीसरी भाषा आपके लिए उड़िया। कन्नड़। पांचवी भाषा आपके लिए कश्मीरी। छठी भाषा आपके लिए कोंकणी। सातवीं है आपकी गुजराती। आठवीं आपकी तमिल। नौवीं भाषा आपकी है तेलुगु। और 10वीं भाषा आपकी है पंजाबी। ठीक, तो ये जो भाषा है आपकी, अब 10 हो गई, तो अभी 12 भाषा मैं और बता देता हूँ। 11वीं भाषा आपकी है बंगला, इसको आप बंगाली भी बोलते हो, ठीक है, वो भी नेपाली। अब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सर नेपाली तो नेपाल में बोली जाती होगी, हमारे में तो रजिस्टर्ड होगी नहीं। खास तौर पर एग्जामिनर उठाकर क्वेश्चन डाल देता है और नेपाली भाषा क्वेश्चन में डाल देगा, और आप क्या फट से मार दोगे, सर नेपाली नहीं हो सकती, नेपाल में बोली जाएगी। लेकिन संविधान में नेपाली भाषा को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी भाषा है हमारी। मराठी, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, उसके बाद में 19वीं आपकी है बोडो, 20वीं भाषा आपकी है संथाली, और यहाँ लिख दो मैं इनको, 21वीं भाषा आपकी है मैथिली, 22वीं भाषा आपकी है डोगरी। ठीक, तो ये जो 22 भाषा आपको मैंने बताई हैं, ये 22 की 22 भाषा जो है वो भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची में है, और अभी तक इनके अलावा कोई और भाषा रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भाषा संविधान में लिखी गई है। अब यहाँ पर कुछ खासियत जो है इनके बारे में बता देता हूँ आपको।
खास तौर पे हिंदी जो भाषा है हमारी, 18 नंबर की हिंदी भाषा, इसको लेकर के। ठीक है, तो हिंदी भाषा क्या है, देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसको हम बोल देंगे आर्टिकल। ठीक, ये आर्टिकल है आपका 343, जो भाषाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके अनुसार हिंदी को राजभाषा का, ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारी जो 18 नंबर भाषा है हिंदी भाषा, उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और ये सारी भाषाएं आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ में कह सकता हूँ कि जो भाषा व्याकरण और बोली का चैप्टर है हमारा, वहीं पे ख़त्म होता है।